हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन बर्डिंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ए बेंगाल फिंच के बारे में। ठीक है, देखो बेंगाल फिंच ऐसा एक बर्ड है ना कि इसको बहुत कम ऐसा लोग है जो इसको शौक से पालता है। ठीक है, जो भी इसको पालता है किसी ना किसी वजह से पालता है। ठीक है, मकसद से पालता है। बेंगाल फिंच पालने का कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है। ठीक है, मैं बहुत दिनों से बेंगाल फिंच का ब्रीड कर रहा हूँ तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स का इसको फेस कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं वही बात शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो बेंगाल फिंच जो पालता है कुछ चाहता है कि इसका प्राइस थोड़ा हाई है, नॉर्मल फिंच है, जेब्रा फिंच है, सो उसके लिए इसको पाल लेता है। और जो लोगों के पास वो एग्जॉटिक फिंच होता है ना, जो बात थोड़ा महंगा होता है, वो गोल्डियन हो गया, लॉन्ग टेल, आउल, ठीक है, तो वो लोग भी बेंगाल फिंच को पाल लेता है क्योंकि बेंगाल फिंच से फॉस्टरिंग किया जाता है। क्योंकि बेंगाल फिंच बहुत अच्छा पेरेंट्स बर्ड होता है और किसी भी फिंच बर्ड का अंडा इसको दे दो ये उसको हैच करके वो चिक्स निकल के दे देता है। ठीक है, इसलिए मार्केट में बेंगाल फिंच का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। देखा दोस्तों, ये जो बेंगाल फिंच है ना, ये वो जेब्रा फिंच से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, हेल्थ वाइज थोड़ा अलग होता है। देखो जो जेब्रा फिंच होता है ना, वो ठंडे में बहुत इसको ठंड लगता है, फुला के बैठ जाता है, मर जाता है, ऐसा होता है विंटर सीजन में। मगर बेंगाल फिंच के साथ ऐसा नहीं होता, बेंगाल फिंच में को ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, मगर बेंगाल फिंच को जो समर होता है ना, गर्मी में इसको बहुत लूज मोशन लग जाता है और ये बहुत मरता भी है, और लूज मोशन के वजह से बहुत मरता है। ठीक है, ठंडे लगने के वजह से ये लोग कम मरता है। तो अगर आपके पास जो बेंगाल या सोसाइटी फिंच आप जो भी बोलते हो ये फिंच है ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको लूज मोशन ना लगे और गर्मी के टाइम पे इसको थोड़ा सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है, ताकि इसको ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि इसको अगर गर्मी में लूज मोशन लग गया ना तो ये बात तो मरना तय है, ये बात बहुत मर जाता है लूज मोशन के वजह से। ये जो बेंगाल सोसाइटी फिंच होता है ना, इसका एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है इसका जेंडर आइडेंटिटी करना। ठीक है, मेल फीमेल को आइडेंटिटी करना। आप किसी भी ब्रीडर से ले लो, वो जितना भी उसको एक्सपीरियंस होगा वो मेल फीमेल 100% कंफर्म कोई नहीं बोल सकता आपको। ठीक है, जो आपको देखेगा मेल होगा वो देखेगा कि फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है ये बेंगाल फिंच के साथ, ये मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करना। तो अगर आप ये बेंगाल फिंच को ब्रीड करना चाहते हो ना, तो मार्केट से आप एक पेयर नहीं खरीदना चाहिए, आप दो तीन पेयर खरीदिए, उसको एक साल रखिए। ठीक है, फिर उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि कौन सा बर्ड सिंग कर रहा है, कि कौन सा बर्ड कौन से बर्ड के पीछे जा रहा है। ठीक है, वो कौन सा बर्ड मेटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ देख के आपको वो मेल फीमेल को अलग करना पड़ेगा। ये तो मेल फीमेल का अलग करने का बहुत प्रोसेस है। ठीक है, वो चोंच छोटा बड़ा होता है, सरू मोटा होता है। ठीक है, मगर कोई भी बर्ड 100% परफेक्ट नहीं बैठता ये बेंगाल सोसाइटी फिंच के ऊपर। ठीक है, तो आपको दो तीन पेयर एक साथ खरीद लेना है, उसमें से आपको वो जो बेंगाल फिंच का जो पेयर, वो एक पेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो कि एक पेयर में मार्केट से खरीद के लेके आऊँ और वो भी अंडा बच्चा कर लेगा, ऐसा बेंगाल फिंच के साथ बहुत कम ही होता है, नहीं होता ऐसा बात नहीं है, बहुत कम होता है। मगर बेंगाल फिंच की एक बहुत अच्छी बात क्या है पता है, दो फीमेल बर्ड को आप एक साथ रख लो, वो लोग तो खुद का जो एक देगा वो इनफर्टाइल होगा, उसे वो चिक्स नहीं निकलेगा। मगर आप किसी और का वो एक्सपेंसिव जो फिंच होता है ना, उसका अंडा उसको दे दो, वो अंडा को हैच करके वो चिक्स निकल के दे देगा। इवन दो मेल को भी आप वो अंडा दे दो, ऐसा भी देखा है कि दो मेल भी वो अंडा को हैच करके चिक्स निकल के दे देता है। ठीक है, बेंगाल फिंच बहुत अच्छा पेरेंट्स बर्ड होता है, इसलिए बेंगाल फिंच का डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और अगर आप इसको सही तरह से केयर ट्रीटमेंट कर पाओ ना, तो बेंगाल फिंच बहुत अच्छा ब्रीड करता है और ये बहुत अच्छा पेरेंट्स भी है। ठीक है, बेंगाल फिंच का और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो है कैल्शियम की डिफिशियंसी। ठीक है, इसको कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप कैल्शियम सप्लीमेंट और लिक्विड सप्लीमेंट पानी में दे सकते हो, या आप कैटल फिश बोन या अंडा का छिलका कुछ भी दे सकते हो, मगर इसको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, नहीं तो ये बार्ड बहुत प्रॉब्लम होता है इस बार्ड का कैल्शियम की वजह से।